सबको जोहार। कहते हैं कि कानून अंधा होता है और अंधे को लाठी की जरूरत पड़ती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ का स्थानीय नीति क्या है और नियोजन नीति क्या है, क्योंकि जानना जरूरी है। क्योंकि आज तक हमने जो बातें की है, हमेशा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हम बात किए हैं। तो आज भी हम सारे जो हमारे पड़ोसी राज्य थे, जैसे बिहार, आपका उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी का हमने नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लाया है, निकाला है, उनकी डॉक्यूमेंट्स को निकाला है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, वो जान सके कि अन्य राज्य जो हैं, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, उनको उनकी स्थानीय नीति और नियोजन नीति क्या है। क्योंकि लड़ाई स्थानीय नीति और नियोजन नीति की है, इसलिए सभी को जानना जरूरी है। हम विथ प्रूफ बताएंगे कि अन्य राज्यों की नीतियां क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट और एक पटना हाईकोर्ट की जजमेंट का। देखिए, ये पेपर है मेरे पास, पूरा प्रूफ निकाल के लाया है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसको मैं पहले पढ़ के बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। झारखंडी मुद्दे पर वक्ताओं के तर्क। वक्ताओं ने तर्क दिया है कि डोमिसाइल नीति पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 9 जनवरी 2002 को हुआ, उसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे बीएन खरे और न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी एक राज्य का ही मूल निवासी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी एक राज्य का ही मूल निवासी हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब जितना राज्य है उसमें से जो आदमी है एक ही राज्य का मूल निवासी हो सकता है, दो राज्य का नहीं। यानी जो बिहार का है वो बिहार का रहेगा, जो यूपी का है यूपी का ही रहेगा, जो छत्तीसगढ़ का है छत्तीसगढ़ का रहेगा। अगर कोई बिहार वाला झारखंड में आके अधिकार मांगता है कि हम यहाँ का वर्षों से रह रहे हैं चाहे सालों से रह रहे हैं, तो उसको यहाँ अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है? उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यानी एक नागरिक दो राज्यों के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं, दो राज्यों के मूल निवासी नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, यानी अगर हम झारखंड के निवासी हैं तो केवल झारखंड का होंगे। हम महाराष्ट्र, असम, बंगाल, अगर हम 150 साल पहले या 70 साल पहले भी अगर हम चले गए हैं, वहां रह रहे हैं, बस रहे हैं, अगर खा रहे हैं, तो हम वहां का मूल निवासी नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। इसका ताजा ताजी उदाहरण है 1921 ईस्वी में, मेरे पास उसका भी डाटा है। 1921 ईस्वी में लगभग 90 से 95 हजार यहाँ के झारखंड के आदिवासियों, मूल वासियों को उठाकर असम और बंगाल ले जाया गया था। असम में चाय खेती कराने के लिए, जहां पर वो लोग बसे रहे, उनकी भाषा है, लेकिन आज तक उनको अपनी भाषा की मान्यता नहीं मिली है, वहां तक कि उनको स्थानीयता की भी मान्यता नहीं मिली है। वो वहां टी ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरा वक्त हम बता रहे हैं इसके डाटा के साथ। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। आरक्षण के मामले में पटना हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2009 में एक याचिका की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि प्रदेश की नौकरियों में बाहरी लोगों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है। ये कहता है कि प्रदेश की नौकरियों में बाहरी लोगों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, वहां बिहार में कैसे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी इस आधार पर। मतलब उत्तर प्रदेश में दो न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, तो ये जजमेंट देते हुए उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी कि जो आरक्षण का लाभ है वो बिहार का निवासी ही ले सकता है, चाहे झारखंड का निवासी है तो झारखंड का निवासी ही केवल ले सकता है, वो अदर स्टेट का निवासी नहीं ले सकता है। तो बिहार में दो न्यायिक अधिकारियों का नियुक्ति हुआ था, उन नियुक्ति को उन्होंने रद्द कर दिया था इस आधार पर कि बिहार में केवल मूल निवासी ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपना मूल राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में जो बसे अपने जाति के आधार पर संबंधित राज्य में प्रवासी आरक्षण का लाभ पाने का दावा नहीं कर सकते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना मूल राज्य छोड़कर
अन्य राज्य में जो बसे लोग अपनी जाति के आधार पर संबंधित राज्य में प्रवासी आरक्षण का लाभ पाने का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम महाराष्ट्र में, बिहार में, गुजरात में या कहीं भी अदर स्टेट में अगर हम आरक्षण का लाभ मांगते हैं तो हम दावा भी नहीं कर सकते और मांग भी नहीं सकते। ये पटना हाईकोर्ट कहती है, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है। मैं कभी कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। जो जजमेंट है, जो उसका पीडीएफ है, वो मैं निकाल के लाया हूं, वो आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आगे कहती है, झारखंड में डोमिसाइल नीति निर्धारित होनी चाहिए। झारखंड में भी डोमिसाइल नीति यानी स्थानीयता निर्धारित होनी चाहिए, ये हाईकोर्ट कहती है। उसके बाद मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत झारखंडियों को 90% रोजगार में अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, यानी 90% झारखंड के लोगों को यहां रिजर्व किया जाना चाहिए, 10% ओपन कर दिया जाना चाहिए अन्य राज्यों के लिए। वही मांग है। अगर इस प्रावधान के तहत अगर स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनती है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारी जो स्थानीय नीति है वो नियोजन नीति चैलेंजिंग हो जाएगी। इस नीति को समझिए। और क्योंकि आज तक देखिए रघुवर दास का जो 11-13 जिला के जो नियोजन नीति था वो भी क्या कर रहा था, पूर्णतः रिजर्व कर रहा था। 13 जिला में आनी जो गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदगा है, ये सारे जिले रिजर्व कर दिए गए थे पूरी तरह से 100%। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 10% ओपन रखना पड़ेगा या 5% आपको सीट को ओपन रखना पड़ेगा, 90% तक रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन रघुवर दास ने या उनके जो सलाहकार थे, जो आईएएस थे, जिन्होंने नीतियां बनाई, उन्होंने पूरी तरह से रिजर्व कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके बाद में चैलेंजिंग हो गया और वो भी नियोजन नीति खारिज हो गई। बस उसी तरह का नियोजन नीति ये हेमंत सोरेन की सरकार ने भी बनाई। क्या किया, मैट्रिक इंटर के आधार पर यहाँ के लोगों को रिजर्व करने का प्रयास किया। ठीक है, आप अच्छा नीति बनाए थे, हो सकता है कि झारखंड हित में बनाए थे, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का भी ख्याल रखना है। और ये हेमंत सोरेन की गलती नहीं है, गलती उनके साथ जो बाहरी लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, इंटू पिंटू चिंटू जो चला रहे हैं, वो लोग की गलती है। क्या वो जो सलाहकार हैं, जो विधि वेता है, जो कानून के जानकार हैं, जिन्होंने नियोजन नीति के ड्राफ्ट को तैयार किया था, क्या उनको नहीं पता था कि अगर हम 100% अगर रिजर्व कर देते तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इसलिए वैसी नीतियां बनाइए जो यहां के हित में हो और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी ना हो। देखिए चुनौती कैसे होता है, आपको मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आप सभी राज्य चले जाइए, वहां पर किसी ने 10%, किसी ने 5% अपने सीट को ओपन छोड़ा है, तो आपको उतना छोड़ना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से रिजर्व कीजिएगा, वो चैलेंजिंग हो जाएगा। उसके बाद आगे के नियोजन नीति में क्या कहती है, आगे सुनिएगा। ये जो है ये झारखंड का है, झारखंड का जो वैकेंसी निकलता है उसमें कह दिया जाता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है झारखंड की नौकरियों में। उसके आधार पर हम लोग का एक ये जो है ये हम बिहार का नियोजन नीति निकाल के लाया है, वहां की वैकेंसी का है ये नियोजन नीति। इसमें कहता है कि इसमें वही फॉर्म भर सकता है जो भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो, लेकिन झारखंड वाला में कह दिया जाता है केवल भारत का नागरिक हो। आगे देखिए ये बिहार का है, फिर वही फॉर्म निकलता है बिहार में, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ओनली बिहार पीपल कैन अप्लाई, केवल बिहार का निवासी ही अप्लाई कर सकता है। आगे देखिए वहां के ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, डायरेक्ट शब्दों में लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षक में नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी है अनिवार्य शिक्षक बनेंगे, मतलब बिहार के लोग ही बनेंगे। उसके बाद स्थानीयता में क्या कहता है, जो हम लोग 32 की खतियान की मांग कर रहे हैं उसमें बिहार में क्या कहता है कि खतियान होना चाहिए स्थानीयता के लिए, सुनिएगा ध्यान से, खतियान होना चाहिए, दानपत्र या भूमि संबंधी दस्तावेज या भूमिहीनों को आवासीय जमीन का दस्तावेज या अभिलेख होना चाहिए, तभी उसकी स्थानीयता परिभाषित होगा। राज्य सरकार को भी वही करना चाहिए। उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं, इस डॉक्यूमेंट में कहता है कि जब हम इस डॉक्यूमेंट का कहना है कि जब हम झारखंड में थे तब 1932 का खतियान हमारे पास चल रहा था। आप देखिए ये मूल निवासी प्रमाण पत्र अनुमंडल कार्यालय गोड्डा का है, ठीक है। इसमें 2002 में एक दीपक कुमार के व्यक्ति थे, इन्होंने अपना स्थानीय बनाया था, तो उसमें लिखा हुआ था
कि ये जो स्थानीय निर्गत हो रही है वो 1932 के खतियान के आधार पर यानी उसके सर्वे सेटलमेंट के आधार पर ये स्थानीय निर्गत हो रही है। देखिए इसका प्रमाण है मेरे पास, मैं कभी अनर्गल बातें नहीं करता, जो ऑथेंटिक होती है ऑथेंटिक बातें करता हूं। तो क्या तब जब 2002 में जब झारखंड में डोमिसाइल के आधार पर, वो भी 1932 के आधार पर नियोजन नीति चलती थी, स्थानीय नीति चलती थी, तो अभी क्यों नहीं चल सकती? तो हम सरकार से ही गुजारिश कहेंगे कि जो 9 राज्यों का, जितने राज्यों का आप पढ़े हैं, अच्छे से अध्ययन कीजिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति को, और खतियान आधारित नियोजन नीति बनाइए, और सी और डी के नौकरियों में झारखंड के लोगों के लिए 90% या 95% रिजर्व कर दीजिए, 5% ओपन छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ होने के कारण राज्यों का भी अपना अधिकार बनता है, या 5 या 10% जैसे अन्य राज्यों ने रखा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑफिसर का जो पद है, ऑफिसर का जो नौकरियां हैं, उससे 80 से 85% रिजर्व कर दीजिए, आप 75% रिजर्व कर दीजिए, 15 या 25% आप ओपन छोड़ दीजिए, कभी नियोजन नीति खारिज नहीं होगी। अगर 100% रिजर्व करने का प्रयास करेंगे तो वो हमेशा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग हो जाएगा, और जब चैलेंजिंग होगा तो यहाँ भविष्य किसका पिसता है, बर्बाद किसका हो रहा है, तो यहाँ की युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नियोजन नीति और स्थानीय नीति बने, ये खुलासा करने के लिए हमने दिन रात मेहनत करके ये आंकड़े, ये डाटा हम लोगों ने जुटाया है। जुटाने के बाद हम सोचे थे कि हम आपको, आप लोग के पास लेके आए। अब आप लोग का काम है कि ये वीडियो जन जन तक पहुंचे, ताकि लोग जान सके कि कैसी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बन सके। हमारी अभी खोज जारी है, अगला एपिसोड में हम लेके आएंगे इससे भी गहन चिंतन वाला डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।